भैया की हालत तुम्हारी नहीं हो सकती, फैजान की अमानत है वो। उसे सच्ची मोहब्बत की है, एक बार कोई इंसान से सच्ची मोहब्बत कर ले उसे भुलाया नहीं जाता। शख्स जो हमारे घर आया था, जिसने मुझे पसंदीद की इजहार किया था, मुझसे वादे किए थे, वो कौन है? मैंने उससे सच्ची मोहब्बत की है, बदतमीजी से पेश आता है और जब घर आता है वापस तो फैजान का वालिद उसे थप्पड़ मारता है। दोस्तों आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि शादी तो बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है लेकिन हादिया अपनी इस शादी से नाखुश है और दूसरी तरफ फैजान जो है अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा होता है, उसके ख्यालात नेगेटिव होते हैं, वो समझता है कि हादिया ऐसी ही है, पूरी ज़िंदगी तंग करके उसे चार दिन में भगा देगा, इस तरह का उसका कहना होता है। दूसरी साइड पर फैजान का वालिद हादिया के घर वालों को तसल्ली देता है कि मैं बहू ब्याह के नहीं लेके आ रहा अपने घर, मैं तो हादिया को अपनी बेटी समझता हूँ। राजी की माँ राजी को कहती है कि तुम भी शादी पर जाना, लेकिन राजी साफ इनकार कर देता है, कहता है मैं हादिया का सामना नहीं करना चाहता। वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लें, शुक्रिया।